आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। अहमदाबाद से 20 किलोमीटर दूर कलोल में गार्डन सिटी के एक मकान में मंगलवार सुबह एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि घर में अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की खबर मिलते ही कलेक्टर गांधीनगर के रेंज आईजी, एफएसएल और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और तत्काल रूप से मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें से एक अमित दवे नाम के युवक की मृत्यु हो गई जबकि एक अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धमाका इतना बड़ा था कि पास का मकान भी ढह गया और आसपास के मकान की खिड़कियों के कांच भी टूट गए थे। विस्फोट की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि यहां जमीन के नीचे से ONGC की गैस लाइन गुजरती है, उसमें लीकेज की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन ONGC की तरफ से बयान सामने आया है कि वहां से ONGC की कोई पाइपलाइन नहीं गुजरती। अब मलबे में हटने के बाद ही सही कारणों का पता लगाया जा सकेगा। गांधीनगर सोसाइटी कलोल एरिया में जो हादसा हुआ है उसके बारे में, वहां पे हमारी कोई गैस लाइन ONGC की नहीं है। इस बारे में मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गांधीनगर से भी मुलाकात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। ONGC ने सेफ्टी को ध्यान में रखते अपनी फायर सर्विसेज का प्रोवाइड करने का भी आश्वासन दिया और हमने मौका पे एक फायर टेंडर भी भेजा। वहां पे पुनः मैं अवगत कराऊंगा कि वहां पे हमारी कोई गैस लाइन नहीं।